हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ बनाते हैं हेल्दी। तो ये है आटे से और घी से बनने वाले लड्डू, बहुत ही टेस्टी। गेहूं के आटे से ये बने हैं और बहुत इजी तरीके से ये बन जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। आटे के लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है 1 ग्लास गेहूं का आटा। इस ग्लास से मैंने लिया है 1 ग्लास गेहूं का आटा और इसी ग्लास से लिया है 1/2 ग्लास चीनी। तो ये मैंने पीस लिया है, पाउडर बना लिया है इसका। और 1/2 ग्लास घी लगेगा हमें और 4-5 इलायची का पाउडर। तो बस ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स से ही बहुत टेस्टी लड्डू बनाने वाले हैं। एडिशनली आप इसमें ऐड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स आपके चॉइस के हिसाब से। और ड्राई फ्रूट्स का बना लेना है पाउडर, तो यहाँ मैंने पाउडर पीस के रख दिया है दरदरा सा। और मैं इसमें किशमिश भी ऐड करूंगी, तो किशमिश को हमें ग्राइंड नहीं करना है, ऐसे ही हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें आटा गूंद लेना होगा घी में। एक कढ़ाई ले ली मैंने, उसमें घी डाल दिया है। घी मैंने अभी आधा डाला है, तो आधे घी में हम आटा भून लेंगे। पहले घी में मैंने आटा भी मिक्स कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत अच्छे से हमें इसे भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो आटे का। करीब आधे घंटे तक मैंने लो से मीडियम फ्लेम पे इसे भून लिया है आटे को। देखिए, आप देख पा रहे हो इसका कलर चेंज हो गया है और इसका टेक्सचर भी क्रमली थोड़ा टेक्सचर इसका हो चुका है। तो बस यही कलर हमें इसका भूनना है। आटे को बहुत लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, इसीलिए कि ये जले ना एकदम से और ये अच्छे से भून भी जाए। और इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो ये भून के पूरा रेडी है आटा, गोल्डन कलर आ चुका है। इसे हम अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। भुना हुआ आटा मैंने इस बाउल में निकाल लिया है, ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो ये चीनी मैंने ऐड कर दिया। अब ड्राई फ्रूट्स का पाउडर जो मैंने पीस के रखा है ऑलरेडी, और किशमिश और साथ में इलायची पाउडर। तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों के हेल्प से। सारी चीजें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब आखिरी में हमें ये डालना है घी, जो बचा हुआ घी था 1/2 कटोरी। ये अब और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। घी भी बढ़िया से मिक्स हो चुका है। मैं इसमें अब ऐड कर दे रही हूँ 3-4 पिंच नमक का, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस लड्डू में। थोड़ा सा डालना है बस, 3-4 पिंच, और ये भी मिक्स कर देंगे। अगर आप चीनी कम खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी कम ऐड करिए। जो मैंने प्रपोर्शन बताया कि जितना हमने आटा लिया है उससे 1/2 हमें चीनी लेनी होती है, तो आप थोड़ी कम भी ले सकते हैं। तो अब बनाते हैं इसके लड्डू। तो एक बड़ा सा बॉल हमें ले लेना है और इसे प्रेस करते हुए राउंड शेप देते हुए इसे लड्डू बनाते जाना है। बढ़िया से ये बाइंड हो जाते हैं क्योंकि हमने ढेर सारा घी इसमें यूज किया है और बहुत अच्छे से इसे भुना है। बहुत अच्छे से भूनना इसीलिए जरूरी है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खाने के बाद भी ये मुंह में चिपकता नहीं है। वरना अगर ये आटा बहुत अच्छे से भूना नहीं है तो हमारे मुंह में जाते से ये चिपकने लगता है। तो देखिए, बढ़िया से लड्डू ये बन रहे हैं एकदम बढ़िया से। तो इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूंगी। सारे लड्डू बनके रेडी हैं। देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर आता है इस लड्डू का और टेस्टी भी उतने ही ज्यादा होते हैं, हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो आप ये बनाइएगा जरूर, आपको बहुत पसंद आएंगे। बच्चों को तो और भी ज्यादा पसंद आते हैं ये। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।